बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का शीर्षक चल रहा है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड्स। तो ये जानने के लिए, सीखने के लिए, इसके कुछ प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों को आपको विस्तृत रूप से और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान में लाना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो ये जो आज का जो अपना टॉपिक है, इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, व्ययों के संबंध में छूट या कटौती, यानी कि जो व्यवसाय के अंदर विभिन्न प्रकार के जो खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों में कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं। अलाउड का मतलब होता है जिसको व्यवसाय प्रॉफिट के डेबिट में दिखा सकता है, और डिसअलाउड ऐसा खर्चा है जिसको व्यवसाय प्रॉफिट के डेबिट में नहीं दिखा सकता, और अंशतः स्वीकृत और अस्वीकृत का मतलब कुछ हिस्सा प्रॉफिट के डेबिट में दिखा सकता है, बाकी नहीं दिखा सकता। देखिए, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में व्यवसाय जो खर्चा दिखाता है, तो इससे आपको सीधा पता चलना चाहिए कि वो लाभ को कम या ज़्यादा कर रहा है। अगर किसी खर्चे को अलाउड कर दिया जाता है, तो नेचुरली उसकी कर देयता लाभ कम होगा, कर देयता कम होगी, और किसी खर्चे को डिसअलाउड किया जाता है, तो इसका मतलब उसका जो करियोगे जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो खर्चों के ऊपर व्यवसायी अपने मन मर्जी से कोई खर्चा जो है प्रॉफिट उसके डेबिट में नहीं दिखा सकता। आयकर अधिनियम 1961 में प्रावधान बने हुए हैं कि इन्हीं खर्चों को प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाया जा सकता है, और जो नियम जो प्रावधान बनाए गए हैं उनका खर्चों को दिखाने में पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चैप्टर में बार बार अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस का जिक्र होगा, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि सर क्यों बार बार अलाउड और डिसअलाउड खर्चों का जिक्र कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए, समझने के लिए खास चीज़ है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए, आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको जो खर्चों के डिडक्शंस के बारे में हैं वो आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो खर्चों के लिए क्या है कि कुछ नियम बने हुए हैं आयकर अधिनियम के अंदर, प्रावधान बने हुए हैं, तो उन प्रावधानों के बारे में मैं इस लेक्चर में आपसे व्याख्या करना चाहता हूँ। तो आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में अनेक व्यय स्पष्ट स्वीकृत हैं, जबकि कुछ व्ययों की छूट विशेष शर्तों की पूर्ति होने पर ही मिलती है। कुछ व्ययों के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने विभिन्न परिपत्रों सर्कुलर्स में व्ययों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से कुछ व्यय आयकर के प्रावधानों अथवा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के परिपत्रों के अनुसार अस्वीकृत हैं। इन सभी प्रकार के व्ययों की प्रकृति एवं शर्तें अलग अलग हैं, अतः सभी प्रकार के स्वीकृत अस्वीकृत व्ययों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। स्पष्टतः स्वीकृत व्यय, इस वर्ग में दो प्रकार के व्यय को रखा जा सकता है, जो आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में अस्वीकृत हैं, और दूसरे जो न्यायालय के विभिन्न निर्णयों अथवा प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर स्वीकृत हैं, सर्कुलर्स जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जारी करता है उनके आधार पर स्वीकृत हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रस्तुति अनुसार स्वीकृत अस्वीकृत व्यय। अनेक व्ययों के संबंध में कर की चोरी रोकने के उद्देश्य से विशेष शर्तें पूरी होने पर ही व्यय की कटौती मिलती है। इसके अतिरिक्त धारा 37 में अनेक व्ययों की वाणिज्यिक आधार पर कटौती मिलती है, जो व्ययों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तीसरी बात है व्यावसायिक हानियों एवं पूंजीगत व्ययों की आयगत व्यय की तरह कटौती। व्यवसाय में अनेक प्रकार की हानियां पूंजीगत व्यय होते हैं, इनमें से कुछ की कटौती आयगत व्यय की तरह मिलती है। कुछ व्ययों की सशर्त कटौती, कुछ व्ययों की कटौती किस्तों में मिलती है, और कुछ व्यय तभी स्वीकृत होते हैं जब उनका भुगतान गत वर्ष में या कर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए ड्यू डेट तक, लास्ट ड्यू डेट तक, तब उसकी स्वीकृति मिलती है। कुछ व्यय तभी स्वीकृत होते हैं जब उनका भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही हो, चेक से हो, तभी उसकी स्वीकृति मिलेगी।
और स्पष्ट से अस्वीकृत व्यय। आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में कुछ व्ययों को स्पष्ट से डिसअलाउड अस्वीकृत किया गया, डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं कि उनकी कटौती व्यवसाय एवं पेशे से आय के संबंध में नहीं मिल सकती। तो ये जो आयकर अधिनियम जो 1961 है उसमें जो स्पष्ट जो व्यय स्वीकृत हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्ट स्वीकृत व्ययों के अंदर जैसे आपका भवन का किराया है, जिस भवन में आपका बिजनेस चल रहा है उसका किराया है, भवन का किराया, कर दर, बीमा एवं मरम्मत, प्लांट मशीनरी फर्नीचर की मरम्मत व बीमा, मशीन भवन फर्नीचर अथवा अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास, चाय रबर एवं कॉफी बोर्ड में जमा राशि अथवा यह छूट घटाने से पूर्व लाभ का 40% जो भी कम हो उसकी छूट मिलती है, सामग्री एवं माल का बीमा प्रीमियम है ये अलाउड एक्सपेंसेस है, सहकारी समितियों द्वारा पशुओं का बीमा अलाउड एक्सपेंसेस है, कर्मचारी हेतु स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयज का जो बिजनेसमैन खर्च करेगा वो व्यापार के अंदर अलाउड खर्चा है, मर्त या अयोग्य पशुओं से हानि वो भी अलाउड है, लाइव स्टॉक का अगर कोई बिजनेस करता है तो वे अलाउड एक्सपेंसेस है, ब्याज स्वयं की पूंजी पर ब्याज की छूट केवल फर्म को ही मिलेगी, अन्य दूसरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, खर्चा केवल पार्टनरशिप में मिलता है, स्वयं की पूंजी पर ब्याज कटौती केवल फर्म को ही मिलती है, असोदय ऋण या डूबत ऋण से हानि, बैंक नगद लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर, वस्तु लेन देन कर, ये सब क्या है अलाउड एक्सपेंसेस है व्यवसाय के, पूंजीगत व्ययों की किस्तों में कटौती, एक साथ ना मिलकर के किस्तों में मिलती है इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे आपके प्रारंभिक व्यय के संबंध में 5 किस्तों के अंदर कटौती मिलती है, और जो दूर संचार सेवा हेतु प्राप्त अधिकारों की उतने वर्षों में कटौती मिलती है जितने वर्ष के लिए अधिकार मिले हैं, 5 वर्ष के लिए मिले तो 1/5, 7 वर्ष के लिए 1/7, 14 वर्ष के लिए 1/14 हिस्से की कटौती मिलेगी, खनिजों की खोज पर व्यय की 10 किस्तों में कटौती मिलती है 10, जो टोटल एक्सपेंडिचर्स का 1/10 अलाउड है फॉर 10 ईयर्स, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु भुगतान की 5 किस्तों के अंदर कटौती मिलती है, और अनुसंधान व्यय तथा दान पूंजीगत व्ययों के लिए कटौती, स्वयं के व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सभी आयगत एवं पूंजीगत व्यय भूमि के अतिरिक्त भी कटौती, भूमि को मिलेगी बाकी भी खर्चों में कटौती मिलेगी, पूंजीगत व्ययों की भारित कटौती, कृषि विस्तार योजना पे 150% है, विशिष्ट व्यवसाय हेतु 100% या 150% है, बाहरी संस्थाओं को अनुसंधान हेतु दान की कटौती, विशेष प्रकार के दानों हेतु वास्तविक राशि की कटौती मिलेगी, और जो भारित कटौती है जिसको वेटेड डिडक्शन कहा जा गया है, तो वेटेड डिडक्शन के बारे में आपको क्या है कि आपकी किताब में एक तालिका भी बना के दी गई है वेटेड डिडक्शन के संबंध में, यदि आप राष्ट्रीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान को दिए गए अंशदान या दान के लिए भारित कटौती का दावा करते हैं तो आपने किसको दान दिया है, आपने दान दिया है शोध संस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय अन्य संस्था जो वैज्ञानिक शोध हेतु चाहे यह व्यापार से संबंधित हो अथवा न हो 150% की भारित कटौती मिलेगी, यानी 100 रुपये खर्चे खर्च करोगे तो 150 रुपये की आपको खर्चे में छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, राष्ट्रीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय अथवा भारतीय तकनीकी संस्थान या विशिष्ट व्यक्ति को अगर आपने अनुमोदित वैज्ञानिक शोध हेतु दान दिया है तो इसकी आपको 150% के खर्चों के बराबर कटौती मिलेगी। तो ये जो इसके अलावा मैंने आपको बताया बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसकी भी छूट मिलती है। तो कुछ जो पूंजीगत व्यय जो हैं उनकी किस्तों में छूट मिलेगी, पूरे के पूरे पूंजीगत व्यय की एक साथ में छूट नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। और दूसरी आपको ये भी ध्यान रखना कि 10,000 रुपये से अधिक के नगद भुगतान की राशि व्यय के रूप में अस्वीकृत होगी, 10,000 से ज़्यादा अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो नगद में तो ज़्यादा वाला हिस्सा आपके लिए जो टोटल हिस्सा है, इस धारा में कटौती होगी पूंजीगत व्यय 10,000 से अधिक नगद भुगतान किया जाता है तो जितनी राशि का नगद भुगतान किया है वह राशि व्यय के रूप में अस्वीकृत हो जाएगी 10,000 से अगर ज़्यादा होगी तो, ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको इसमें कुछ जो व्यय हैं
उन व्ययों के जो प्रकृति है, व्ययों की जो प्रकृति है नेचर, व्यय की प्रकृति के अनुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत व्यय, एक्सपेंडिचर अलाउड और डिसअलाउड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, ये भी एक आधार बना गया कि जो उनकी खर्चे की जो प्रकृति नेचर किस टाइप की है उसके आधार पर डिसाइड किया जाए कि ये व्यापार में खर्चा अलाउड है या डिसअलाउड है। तो व्यवसाय के लिए स्वीकृत सभी व्ययों की कोई अंतिम सूची तो नहीं बनाई जा सकती, बहुत सी एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए धारा 37 में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यय जो धारा 30 से 36 में वर्णित न हो और पूंजीगत प्रकृति का या निजी व्यय की प्रकृति का न हो और पूर्णतः एवं मुख्यतः सिर्फ व्यवसाय या पैसे के लिए ही गत वर्ष में किया गया हो तो वह व्यय व्यवसाय एवं पैसे से आय ज्ञात करने के लिए स्वीकृत व्यय होगा, ये इसमें धारा 37 में बताया गया है। धारा 37 में कोई व्यय स्वीकृत होने की कुछ शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं? उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई व्यय धारा 37 में तभी स्वीकृत हो सकता है जबकि उसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। कौन कौन सी शर्तें? यह व्यय पूंजीगत प्रकृति का नहीं है, यह व्यय गत वर्ष में किया गया हो, यह व्यय व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न हो, यह व्यय पूर्णतः या मुख्यतः व्यापार या पैसे से संबंधित हो। यदि कोई व्यय धारा 30 से 36 में स्पष्ट स्वीकृत हो तो उसकी छूट धारा 37 में न मिलकर संबंधित धाराओं में ही मिलेगी। यदि कोई व्यय धारा 37 में स्पष्ट अस्वीकृत हो तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, चाहे ऐसे व्यय से किसी व्यवसाय में लाभ मिला हो, जैसे किसी राजनीतिक पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टीज के सोविनियर, वो जो किताब निकालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें अगर आपने कोई विज्ञापन दिया जाता है तो ऐसे विज्ञापन व्यय की छूट आपको नहीं मिलती है। तो धारा 37 में वर्णित परिभाषा के से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा खर्चा अलाउड और कौन कौन सा खर्चा डिसअलाउड है। तो ये खर्चों की प्रकृति के आधार के ऊपर कौन से व्यय अलाउड और डिसअलाउड हैं, इसमें मैं आपको एक PDF बना करके भेजूँगा जिसमें आपको व्यय की प्रकृति, स्वीकृत व्यय और अस्वीकृत व्यय कौन कौन से होंगे, ये आपको अच्छी तरह से कंठस्थ याद करना है। याद करोगे तभी आपके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय बात समझ में आएगी कि अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस का ज्ञान प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है इस पाठ के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए। अब क्या है कि प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशानुसार स्वीकृत व्यय एक्सपेंसेस अलाउड एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब कुछ खर्चे जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई इस तरह के जो खर्चे हैं उनको जो है स्पष्ट स्वीकृत माना जाएगा। कौन कौन से खर्चे हैं CBDT द्वारा जो बताए गए हैं? प्रोफेशनल टैक्स, यदि किसी व्यवसाय पैसे पर ऐसा कर लगाया जाता है तो वह व्यय के रूप में स्वीकृत होगा। प्रशिक्षु अप्रेंटिसशिप के प्रशिक्षण व्यय, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 61 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के सभी व्ययों की छूट मिलेगी। कोई ट्रेनिंग कर्मचारी को दी जाती है तो इस तरह से कोई प्रशिक्षण के व्यय होंगे वो अलाउड होंगे। दीपावली मुहूर्त आदि अवसर पर किया गया व्यय, यदि आयकर अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह व्यय पूर्णतः धार्मिक आधार पर किया गया है एवं सामान्य से ज़्यादा व्यय नहीं है तो ऐसे व्यय आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत होते हैं। तत्काल टेलीफोन योजना में जमा कराई गई राशि, इस योजना में 30,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती थी तो आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत होती थी, पुराने टाइम की बात है ये, तो अब ये प्रावधान है कि नहीं देखना पड़ेगा। टेलेक्स कनेक्शन अथवा टेलीफोन लेने के व्यय, किसी व्यवसाय के लिए टेलेक्स कनेक्शन लेने के लिए स्वयं के टेलीफोन की योजना ओवन योर टेलीफोन OIT स्कीम में टेलीफोन लेने के लिए एकमुश्त राशि जमा कराने पर आयगत व्यय के रूप में छूट मिलती है। ट्यूबलाइट लगाने एवं बदलने के व्यय, ट्यूबलाइट को पहली बार लगाने के व्यय को मकान की लागत का भाग मानते हुए पूंजीगत व्यय माना जाता है परंतु बाद में इन्हें बदलने के व्यय को आयगत व्यय माना जाता है। शुरू में लगाते कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाद में जो ट्यूबलाइट का डंडा जो खराब होता है चेंज करते हैं वो पूंजीगत व्यय, वो अलाउड है। प्याऊ धर्मशाला आदि के लिए दी गई लागत राशि, यदि व्यवसाय की सामान्य प्रथा के रूप में अपने सदस्यों से या ग्राहकों से लेन देन की राशि की निश्चित प्रतिशत के रूप में प्याऊ या दान आदि कामों के लिए एक रकम वसूल की जाती है तो यह लागा राशि कस्टमरी चार्जेस व्यय के रूप में स्वीकृत होती है।
चाहे ऐसी राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने इस राशि को वास्तव में इस प्रयोजन हेतु खर्च किया हो अथवा नहीं, प्राप्तकर्ता के लिए ऐसी राशि आय नहीं मानी जाएगी। फिर परिणामी हानि बीमा योजना का प्रीमियम, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए परिणामी हानि बीमा लॉस और प्रॉफिट पॉलिसी करवाता है तो इस हेतु दी गई प्रीमियम की राशि व्यय के रूप में स्वीकृत होगी। यदि आग या अन्य किसी प्रकार की हानि के परिणाम स्वरूप बीमा कंपनी से कोई क्षतिपूर्ति राशि मिलती है तो उसे कर योग्य आय मानते हुए कर लगाया जाएगा। अच्छा, फिर कमिटमेंट चार्जेस, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर्स के आधार के ऊपर दिशा निर्देशों के आधार पर अलाउड एक्सपेंसेस हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से ये अनुबंध करता है कि वह जरूरत के समय एक निश्चित राशि तक ऋण ले सकता है और इस अनुबंध के बदले बैंक एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष वसूल करता है तो ऐसा व्यय आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत होगा, चाहे इस सुविधा का लाभ उठाया जाए अथवा न उठाया जाए। विज्ञापन व्यय, एक व्यवसायी यदि एक से अधिक अखबारों पत्रिकाओं में विज्ञापन देता है या फिर किसी अखबार पत्रिका में बार बार विज्ञापन देता है तो ऐसे सारे विज्ञापन व्यय भी स्वीकृत होंगे। फीचर फिल्म पर व्यय, एक्सपेंसिज ऑन फीचर फिल्म, यदि कोई करदाता फीचर फिल्म बनाने पर कोई व्यय करता है तो ऐसे वे व्यवसाय के प्रचार हेतु माने जाएंगे एवं स्वीकृत होंगे। चोरी या गबन से हानि, यदि व्यवसाय के कार्य समय में किसी माल की चोरी हो जाए या संस्था के कर्मचारी द्वारा बैंक में रुपया जमा कराने जाते समय अथवा जमा राशि निकाल कर लाते समय रुपये की चोरी हो जाती है तो यह हानि आयगत हानि के रूप में स्वीकृत होगी। इसके विपरीत यदि कार्य समय के अतिरिक्त किसी समय दुकान का ताला तोड़कर रात को चोरी हो जाती है तो इस प्रकार की हानि आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं है, यद्यपि बैंक को इस प्रकार की हानि भी स्वीकृत होती है। सभ्य नागरिक सुरक्षा व्यय, एक्सपेंसिज ऑन सिविल डिफेंस, यदि कोई करदाता सभ्य नागरिक सुरक्षा पर कोई व्यय करता है तो ऐसे व्यय की कटौती मिलेगी। तो ये व्ययों के प्रावधान मैंने आपको बताए हैं, आय कौन कौन सी और व्यय कौन कौन से, व्यवसाय पैसे में कौन कौन सी आय होती है और खर्चों के बारे में प्रावधान बताए, कौन से व्यय स्वीकृत और कौन से अस्वीकृत कुछ कानून में अधिनियम में दिए गए हैं और कुछ प्रकृति के आधार पे। तो मैं इसका जो आपको PDF है वो अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस का और भेज दूंगा, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।